फिलहाल मस्त वेदर है गुड़गांव का। Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. Hey guys, welcome back to my channel. आज बहुत लेट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी। आज मैंने वो सारा काम निपटा लिया है जो दो वीक से पेंडिंग था। घर को मैंने कर लिया है अपना डीप क्लीन क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, राखी आ रही है, जन्माष्टमी आ रहा है, उसके बाद गणपति भी आ रहे हैं। उससे पहले एक बार और करना पड़ेगा बट उससे थोड़ा सा एटलीस्ट 80% क्लीन हो गया है। तो ये सब करने में आज काफी लेट हो गया। आज हम लोग लंच भी अप्रॉक्स 4-4:30 बजे खाए हैं। किसी तरह बस मैंने ऐसे थोड़ा बहुत बना दिया और वही अमीर का आज खा लो। तो इस वजह से आज सुबह से मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई, ये सब काम करने में मैं बिजी थी। और अभी तो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा यहाँ का वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इवन आजकल शाम को थोड़ा सा बारिश होती है गुड़गांव पे, तो अभी भी वही हो रहा है। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे बारिश इंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सच में यार। अभी थोड़ा और बरस रहा था, अभी कम हुआ है, अभी बारिश कम हुई है। तो मैं आकार से मैंने कहा है कि थोड़ा सा निकल चलते हैं कहीं पे, क्योंकि मुझे राखी की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, राखी लेनी है, कुछ गिफ्ट लेना है किसी को देने के लिए, तो वो सारा सब कुछ लेने शायद अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। तो आकार भी सो गए थे क्योंकि कल उनकी नाइट शिफ्ट थी, वैसे उनकी नाइट शिफ्ट ही होती है बट कल उन्हें ऑफिस जाना पड़ा था, तो इस वजह से वो आज काफ़ी थोड़ा सा सुबह से ऐसे लेजी टाइप हो गए थे। तो मैंने कहा था आप सो जाओ और वो अभी उठ गए हैं, बस अभी चाय बनाएंगे और फिर हम लोग रेडी होके फिर निकलेंगे। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy and so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you drink. हो गई हूँ मैं रेडी, हम लोग निकल भी गए, बस आकार गाड़ी निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग बस जाएंगे। देखते हैं कि आज जो जो सोच के जा रही हूँ वो कितना मैं कर पाती हूँ या खरीद पाती हूँ। एटलीस्ट गिफ्ट वाला जो काम है वो तो कर ही लूंगी क्योंकि राखी तो हमारे सोसाइटी के बाहर जो शॉप्स लगी हैं वहाँ पे ही मुझे मिल जाएगा, तो वो तो अभी क्योंकि राखी में टाइम है तो वो मैं ले लूंगी। बस एक ही पंगा है कि अब बहुत ट्रैफिक मिलेगा, मुझे बस इसी की टेंशन रहती है। गुड़गांव में बस दो बूंद बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है। उसी दिन मैं ऑफिस से घर 9 बजे लौटी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कोई ओला उबर कुछ नहीं मिल रहा था। फिर किसी तरह मुझे एक मिला, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया भैया प्लीज़ आ जाओ मुझे लेने, अदरवाइज मैं घर नहीं जा पाऊँगी। तो इस वजह से अभी बस यही लग रहा है कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, अदरवाइज़ जहाँ पहुँचना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं और लेट हो जाएगा। तो देखती हूँ अभी तो फ़िलहाल यहाँ से तो निकलूँ। हम लोग गुड़गांव सेक्टर 63 के एरिया मॉल में, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुझे तो डर लग रहा था कि यार बारिश की वजह से कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, बट उतना नहीं हुआ, हम लोग 15-20 मिनट्स में ही यहाँ पहुँच गए हैं। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि हम क्या खरीदते हैं। यहाँ आते ही मेरी नज़र सबसे पहले लाइफस्टाइल में चल रहे सेल के बोर्ड पे पड़ी है। देखती हूँ पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो करती हूँ और उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम बचा तो लाइफस्टाइल भी हो लेंगे। सेल चल रहा है तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। सो सबसे पहले हम लोग आए हैं अभी होम सेंटर, देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज किसी और स्टोर में जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ होम डेकोर का काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम्स हैं, लेट्स सी कि क्या हम लोग लेते हैं या कौन सा अच्छा लगता है। somebody like me.
like me. Nobody like me. When you ask my name, I panic. So what am I leaving? Somebody like me. तो आए तो थे हम लोग किसी के लिए गिफ्ट लेने, बट यहाँ ये देखो हमारी अपनी शॉपिंग चल रही है। हम लोग अपने लिए होम डेकोर का आइटम, ये सब सब किचन उचन का ये सब लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं और गिफ्ट के लिए देख रहे हैं। एक अच्छा लगा भी है, अगर कुछ और समझ नहीं आया तो उसी को फाइनल करेंगे और लेके बस निकलेंगे घर के लिए। होम सेंटर से शॉपिंग हो गई हमारी और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट 99 अपने घर के लिए कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स लेने। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं होम सेंटर से तो, बट अभी देख रहे हैं कुछ और सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग सर्च कर रहे हैं। वहाँ पे भी था बट वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो एक बार मार्केट 99 जाकर देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। और जो गिफ्ट लेने आए थे वो भी मिल गया है, पैक करवा लिया है, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। जिनके लिए है वो ब्लॉग में देख लेंगे, तो इस वजह से मैं बाद में दिखाऊंगी। शॉपिंग हो गई हमारी, ये देखिए बहुत कुछ ले लिया है आज तो होगा, तो मैं घर जाके दिखा दूंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। और अभी कुछ खाने जाना है क्या? हाँ भूख तो लग रही है, खा लेते हैं यार, यही है घर जाके, नहीं तो खाना बनाना पड़ेगा आपको। अरे अरे नहीं नहीं, तो अभी हम लोग शॉपिंग के बाद सोच रहे हैं कुछ खा ले, भूख लग गई है। आई थिंक 9:30 भी बज रहे हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ पे खाते हैं या कहीं और जाके मैं बता दूंगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में, डिनर भी ऑर्डर कर दिया है। यहाँ मुझे ना एक अजीब सा इन्होंने मशीन दे दिया है, ऑर्डर मशीन जिसे आप कह सकते हो। इसमें जैसे ही हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा इसमें ब्लिंक करेगा और तब मुझे जाकर ऑर्डर लेना होगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम ये देखा है, मुझे नहीं पता, हो सकता आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर रेडी होने का। भूख लग गई है, यहाँ आकार भी है, अपने नेल्स बाइट कर रहे हैं ये देखो। तो बस खाना आएगा तो हम लोग फिर खाना खाएंगे। ये देखो ये ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ मेरा ऑर्डर कलेक्ट करने और ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। तो ये है मेरा आज का डिनर, इसमें है दाल मखनी, कढ़ाई चिकन, मलाई टिक्का, लाल मिर्च टिक्का, लच्छा पराठा, राई सलाद, रायता, गुलाब जामुन, बहुत कुछ है यार। और ये है आकार का नूडल्स, उन्हें आज चाइनीज खाने का मन कर रहा था तो इसीलिए उन्होंने, ओके तो कल मुझे चाइनीज खाने का मन था और मैं हम लोग ने खा नहीं पाए थे, इसलिए आकार ने ये भी ऑर्डर किया है। हो गया है डिनर हमारा और अब हम लोग जा रहे हैं घर। पेट इतना भर गया है, वो थाली जो हम लोगों ने ऑर्डर की थी उससे ही हम दोनों का पेट फुल हो गया पूरा। जो हम लोगों ने नूडल्स लिया था वो पैक कर लिया है, तो वो कल हम लोग ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। देखो स्टोर्स बंद हो चुके हैं, आजकल ऐसा ही होता है, हम लोग इतना लेट हो जाते हैं तो हम लोग जैसा लगता है लास्ट कस्टमर है जो इस मॉल से निकल रहे हैं। बाय द वे अभी हैं काफ़ी लोग फूड कोर्ट में हैं, तो फिलहाल हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या खरीदा मार्केट 99 से, होम सेंटर से, तो वो सारा सब कुछ मैं घर जाके आप लोग को दिखाती हूँ अच्छे से। गाइस इस मॉल में देखो कितने सारे इस तरह के सेक्शन है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए,
और काफी क्रिएटिविटी लग रही है मुझे. मैजिकल चेयर है इसमें ना, ये देखो ये, बट आप जब क्लिक करवाओगे तो ये पिक्चर ऐसी आएगी. मैं जूम करके पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखो. इसी तरह ये एक है 2D कैफे, ये भी बहुत यूनिक लगा है मुझे. ये देखो, ये आप क्लिक करवाओगे तो पिक्चर आपकी कुछ ऐसी आएगी. देन नेक्स्ट है डोंट लेट गो, तो ये भी काफ़ी अच्छा अलग सा कॉन्सेप्ट मुझे लगा है. मैं भी सोच रही हूँ कुछ पिक्स मैं भी यहाँ क्लिक करवा ही लूँ. ये देखो, यहाँ अगर मैं क्लिक करवाऊँगी तो ये पिक्चर कुछ ऐसी आएगी. देन है हेड्स अप, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैंने अभी तक देखा नहीं है. वेट, ओके, ये देखो ये ऐसे होगा. यहाँ तो एक क्लिक बनता है यार, यहाँ एक पिक तो मैं पक्का क्लिक कर रहा हूँ. बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा है, यूनिक है. और सबकी तरह मैंने भी यहाँ पे कुछ पिक्स क्लिक करवा दिए, और ये सारे पिक्स मैं मेरे इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगी. अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ID मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो जल्दी से मुझे फॉलो करो और ये सारे पिक्स से लाइक भी ज़रूर करना. तो अभी हो गया सारा फोटो सेशन, डिनर, सब कुछ, और अब फाइनली हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, only one who did that. So guys, आ गई हूँ मैं घर, और जल्दी से मैं आप दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या आज लेकर आई हूँ. सबसे पहले मैं दिखा दूँ ये गिफ्ट. ये वैसे हम लोगों ने पैक करवा लिया है, क्योंकि वैसे भी इस व्लॉग में इसे रिवील करना सही नहीं होगा, वरना वो देख लेंगे कि मैं उनके लिए क्या लेकर आई हूँ. तो ये अभी पैक ही रहने दो. जिस दिन मैं दूंगी, अगर वहाँ पे उन्होंने ओपन किया तो मैं दिखा दूंगी कि मैंने क्या लिया उनके लिए. नेक्स्ट जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ वो है ये एक सेंटर टेबल मैट. हमारे सेंटर टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम लोग ये मैट लेकर आए हैं. ये होम सेंटर का ही है, और इसी के साथ मैचिंग एक कॉस्टर भी है, बैम्बू कॉस्टर. ये भी बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में हम लोग को मिल गया है. नेक्स्ट जो मार्केट 99 से मैं लेकर आई हूँ वो है ये लकड़ी के कुछ स्पून्स. ये मसाले वसाले के उसमें अच्छा लगता है डिब्बों में, तो इसलिए ये नहीं था मेरे पास, तो वहाँ मुझे दिखा तो मैंने ये ले लिया. ये भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिर्फ 79 का है. ये 3 का सेट था, तो ये मैंने लिया है. नेक्स्ट लिया है मैंने ये प्लांट. ये एक्चुअली मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे वॉल डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो अमेजोन से अभी आना है, तो उसमें रखने के लिए और वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये ले लिया है. ये भी मैंने मार्केट 99 से लिया है, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है. आई थिंक ये है 349 का. नेक्स्ट ये सेंटर टेबल पे रखने के लिए ये एक और प्लांट लिया है, ये फॉल्स प्लांट जिसे कह सकते हो. ये हम लोगों ने लिया है होम सेंटर से, तो ये एक है. नेक्स्ट मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने ले लिया है. ये है ममा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू. नेक्स्ट है ये एक स्प्रे बॉटल. स्प्रे बॉटल इसलिए बिकॉज हेयर में कुछ कभी कभी मैं कुछ चीज़ें अप्लाई करती हूँ, जैसे मेथी पानी हो गया या कुछ भी, तो ये इजी रहता है उसमें स्कैल्प में अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए ये एक लिया है मैंने. नेक्स्ट लिया है हम लोगों ने ये डेस्क लैम्प. ये एक्चुअली आकार ने लिया है. ये जलेगा कैसे, ये आई थिंक जब जलेगा, जब मैं जलाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी. फिलहाल मैं आई थिंक इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, कुछ ये ऐसा दिखता है. तो ये उसने लिया है अपने डेस्क पे रखने के लिए. तो ये एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आज लेकर आई हूँ. लेने तो सिर्फ मैं गिफ्ट गई थी, बट ये चीज़ें मुझे अच्छी लग गई. कभी कभी होता है कि हम लोग ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, तो इस वजह से जो जो मिला छोटा छोटा चीज़ें वो मैंने ले लिया. तो बस यही था जो मैंने दिखा दिया आपको. तो अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, 12 बज गए हैं. तो अब फिलहाल मैं करती हूँ इस व्लॉग को यही एंड. एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप. चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल.
बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटिए। Somebody like me.